गुड मॉर्निंग बच्चों, आज आप लोगों का हिंदी का पहला क्लास है और आप लोगों का हिंदी क्लास में स्वागत है। बच्चों, सबसे पहले हम लोग अपने पाठ पुस्तक का नाम जानेंगे। आपके हिंदी पाठ पुस्तक का नाम है वाटिका। आपके हिंदी पाठ पुस्तक का क्या नाम है बच्चों? वाटिका। बच्चों, आगे अब मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। जब हम लोग सुबह में सोते हैं बच्चों, जब हम लोग सुबह में सोते रहते हैं तो हमारी नींद किसकी आवाज़ से खुलती है बच्चों? जब आप आराम से सोए हुए रहते हैं तो आपकी नींद किसकी आवाज़ से खुलती है? तो जब मुर्गा बांगने लगता है, यानी मुर्गा जब बोलता है, तब हमारी नींद क्या होती है बच्चों? ना, खुल जाती है। और हमारी नींद खुलने के बाद हम लोग क्या होते हैं? हंसते हुए सुबह में उठते हैं। आगे यहाँ पे देखिए, आज का हमारा जो विषय है जिसके बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ, उस पाठ का नाम है, पहला पाठ है, पाठ का नाम है सुबह हो गई। तो बच्चों, आगे हम लोग पढ़ेंगे सुबह हो गई। हमारा पाठ का क्या नाम है बच्चों? तो सुबह हो गई। उठ जाओ सुबह हो गई। यहाँ पे कवित्री कह रही है एक छोटे से बच्चे से कि उठ जाओ सुबह हो गई। मतलब अब सुबह हो गई है, उठ जाओ। मुर्गे ने है बांग लगाई। मतलब बांग लगाने का मतलब होता है बच्चों कि मुर्गे की आवाज। जब मुर्गा आवाज करता है तब देखिएगा बच्चों, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने होंगे कि सुबह के समय में मुर्गे की आवाज होती है, तब हमारी जो है नींद टूट जाती है, हमारी आंख खुल जाती है। तो यहाँ पे कवित्री कह रही है कि उठ जाओ सुबह हो गई। मतलब सुबह हो गई है और अब तुम लोग तुम उठ जाओ। मुर्गे ने है बांग लगाई। मतलब मुर्गे ने आवाज है लगाई। उठ जाओ सुबह हो गई भाई। मतलब कहा जा रहा है कि उठ जाओ सुबह हो गई भाई। चिड़िए ने भी डाला डेरा। डेरा का मतलब होता है बच्चों कि एक साथ चिड़िए ने, चिड़िया सब जो है बैठकर ची ची कर रही है और ची ची करते हुए कह रही है कि सुबह हो गई है। सूरज तुम्हें जगाने आया। सूरज तुम्हें जगाने आया। किरणों ने ली अंगड़ाई। अंगड़ाई का मतलब होता है बच्चों शरीर को खींचना। जब देखिएगा हम लोग सोते हैं और सो के जब उठते हैं तो सभी बच्चे या सभी इंसान क्या करते हैं? ना, अंगड़ाई लेते हैं। उठ, फिर कह रही है यहाँ पे कवित्री, उठ जाओ सुबह हो गई। फिर यहाँ पे कवित्री बच्चे से कह रही है कि उठ जाओ सुबह हो गई। आगे देखिए, यहाँ पे कवित्री कह रही है बच्चे से, दादी मंदिर की करे तैयारी। मतलब देखिए बच्चों, जब सुबह होती है, आप लोग घर में भी देखे होंगे कि जो दादी होती है, नानी होती है, उन लोग क्या करती है? सुबह में पूजा करने की तैयारी करती है। तो मंदिर की करे तैयारी, मतलब मंदिर जाने की तैयारी कर रही है। मुन्नी रोती बस्ता भारी। देखिएगा, जब हम लोग स्कूल का बैग ले जाते हैं या स्कूल में जब आप लोग भी क्या करते हैं ना, स्कूल के पुस्तक वगैरह बैग में डालते हैं, तो कहते हैं ना कि आपका बस्ता बहुत भारी है, बैग काफ़ी भारी है। तो यहाँ पे कह रही है कि मुन्नी रोती, मतलब मुन्नी एक लड़की है, एक लड़की का नाम है जो रो रही है और रोते हुए ये कह रही है कि बस्ता जो है भारी है। पापा जी अखबार मंगाते। पापा जी मतलब आप लोग घर में ध्यान दिए होंगे कि आपके भी जो पिता हैं या पापा जो हैं वो क्या करते हैं ना, अखबार पढ़ते हैं, मतलब सुबह का पेपर पढ़ते हैं। और दादाजी घूमने जाते। मॉर्निंग वॉक होता है ना, जिसको सुबह का सैर बोलते हैं हम लोग, तो वो क्या कर रहे हैं? दादाजी घूमने जाते। रसोई में अम्मा की अब तो खटखट शुरू हो गई। देखिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि सुबह में क्या होता है ना, सुबह जब हो जाता है, सब कोई अपना अपना काम में लग जाता है, तो अम्मा जो है मतलब वो क्या करती है ना, रसोई में खाना बनाती है। और जब रसोई में खाना बनाया जाता है तो खटपट खटखट करने की आवाज़ आती है। मतलब कभी बर्तन इधर से उधर होता है, कभी कुछ किया जाता है, तो उन सबों की क्या होती है ना बच्चों, की आवाज़ आती है। तो फिर यहाँ पे कवित्री कह रही है कि उठ जाओ सुबह हो गई। यहाँ पे फिर कहा जा रहा है कि उठ जाओ सुबह हो गई। ऊ करना छोड़ दो अब तो। मतलब देखना, जब आप लोगों को उठाया जाता होगा तो आप लोग करते ना ऊ, और थोड़ा सा सो जाते हैं, और थोड़ा सा सो जाते हैं। तो यहाँ पे कह रही है कि ऊ करना छोड़ दो अब तो। मतलब ऊ करना तुम अब तो छोड़ दो। हिलो जरा तुम
आंखें आंख तो खोलो, मतलब कह रही है कि तुम जहाँ पे सोए हो उस जगह से थोड़ा सा हिलो और अपनी आंखें खोलो। अनमोल समय है, यू मत खोना। मतलब देखिए बच्चों, समय जो होता है वो बड़ा अनमोल होता है। जिस समय जो काम करना होता है उस समय उस काम को करना चाहिए। जब देखिए बच्चों, आप लोग सुबह में मान लीजिए काफी देर तक सोते रहिएगा, तो हमारा जो अनमोल समय है बच्चों वो क्या होता है ना, वो खो जाता है। तो यहाँ पे कवित्री बच्चे से कह रही है अनमोल समय है, यू मत खोना। मतलब तुम्हारा जो समय है बच्चों वो काफी अनमोल है, उसको यू ही मत खो देना। चंदा छिप गया, छिप गए तारे। मतलब सूरज की जब रोशनी आई तो क्या हुआ, चंदा, चंदा मामा जो होता है ना, जो आप लोग रात को देखते हैं, वो क्या हुआ ना, छिप गया, छिप गए तारे। और तारे भी जो है सूरज की रोशनी से छिप गए हैं। रात भी जाने कहाँ खो गई। मतलब रात जो है सूरज की जब रोशनी आई तो रात भी जाने कहाँ खो गई। उठ जाओ, उठ जाओ, सुबह हो गई। फिर कवित्री कह रही है कि उठ जाओ, सुबह हो गई। मतलब बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवित्री ये कहना चाह रही है एक छोटे से बच्चे से कि बच्चे ज़्यादा देर तक सोना नहीं चाहिए। हमारा जो समय है वो बड़ा अनमोल होता है, इसलिए हमें हमेशा टाइम से ही उठना चाहिए और हमारा सारे काम को हमें समय पर ही करना चाहिए। और समय रहते अगर आप काम नहीं कीजिएगा तो आपका क्या होगा ना, जो अनमोल समय है वो खो जाएगा और आप कोई भी काम को सही तरीके से सही समय पर नहीं कर पाइएगा। इसलिए बच्चों, आप लोगों को चाहिए कि आप लोग समय से उठें और उठ कर क्या करें ना, अपना काम करें। जब विद्यालय जाना हो तो विद्यालय जाएं, सुबह में जो जो काम होता है वो करना चाहिए और सभी काम को हमें समय पर ही खत्म करते रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आप लोग भी अब क्या कीजिएगा, जब सुबह होगी तो आप लोग समय से उठिएगा और उठ के जो हमारे जो समय का जो अनमोल समय है उसको आप लोग अपना कीजिएगा। और इस पाठ का जो बाकी जो कुछ है शब्द, मैं उनको आप लोगों को बोल रही हूँ, आप लोग उसको क्या कीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए और उसको आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे बच्चों है बांग लगाई। बांग लगाई का मतलब होता है मुर्गे की जो आवाज होती है उसको यहाँ पे कहा जा रहा है। अंगड़ाई, अंगड़ाई का मतलब होता है बच्चों शरीर खींचना। मतलब हमारा जो शरीर है जब नींद से उठते हैं तो हम लोग क्या करते हैं ना, शरीर को खींचते हैं, तो यहाँ पे अंगड़ाई का मतलब होता है शरीर खींचना। यहाँ पे देखिए बच्चों, इसको भी आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए अपने अपनी पुस्तक में। खटखट, खटखट मतलब जो आवाज जो आती है उस आवाज को कहा जा रहा है, जो कि मम्मी जब खाना बनाती है तब आवाज आता है ना खटखट, उस आवाज के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। यहाँ पे ऊ ऊ करना मतलब नींद से ना जागने के लिए बच्चे जो करते हैं उसको कहा जा रहा है। अनमोल समय, हमारा जो समय है काफी कीमती है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि अनमोल समय। ठीक है बच्चों, इस पाठ के बाकी जो प्रश्न उत्तर है उसको मैं दूसरे कक्षा में कराऊंगी। ठीक है, और इस पाठ की जो कविता है इसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।